संशोधन बिल को लेकर के बनी जेपीसी कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट तैयार हो चुका है, हम एक एक पॉइंट पर अब चर्चा करने को तैयार हैं। हर एक पॉइंट पर साथियों के साथ गहन चर्चा होगी। बता दें कि बीते पार्लियामेंट सेशन में मोदी गवर्नमेंट ने वक्फ अधिनियम भी ला करके इसमें संशोधन का जिक्र किया था, जिसके बाद से विपक्ष ने इस पर काफी हंगामा बरपाया था और इसको जेपीसी के पास भेजने की अपील की थी। मोदी गवर्नमेंट ने विपक्ष की ये बात मान ली और इस पूरे मामले पर जेपीसी की गठन कर दी। वहीं जेपीसी कमेटी की कई दौर की बैठक हुई, जिसके बाद से अब रिपोर्ट बनकर तैयार हो चुकी है। अब इस पर गहन चर्चा होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि वक्त अधिनियम बिल पर संशोधन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। सुनिए जेपीसी के चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल ने इस रिपोर्ट को लेकर के और क्या कुछ कहा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ की आज जो बैठक थी, उसमें हमने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को बुलाया था। लगभग 6 घंटे चली, जिसमें उन्होंने क्लॉज बाई क्लॉज जो हमारे वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट्स हैं 44 के, इस पर उन्होंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया। इसके पहले भी भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने 22 तारीख को 6 घंटे 15 मिनट, 15 अक्टूबर को 6 घंटे 15 मिनट, 21 अक्टूबर को 7 घंटे, 29 अक्टूबर को 3 घंटे 15 मिनट, तो इस तरह से 5 सिटिंग हमारे सभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर्स को यह अवसर मिल चुका है कि लगातार करीब 5 सिटिंग्स में 29 घंटे से ज़्यादा इस अमेंडमेंट पे क्लाज बाई क्लाज पे सवाल आ चुके हैं और सवालों का मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि जेपीसी ने जिस तरीके से स्टेक होल्डर्स के साथ 25 बैठकें किया, जिस तरह से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ न केवल दिल्ली में 25 बैठकों में तमाम स्टेक होल्डर्स में, चाहे वो जजेज फॉर्मर जजेज हो, इस्लामिक स्कॉलर्स हो, वाइस चांसलर्स हो, या माइनॉरिटीज के ऑर्गेनाइजेशंस हो, या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, या जमीयत उलमा हो, ज़कात फाउंडेशन हो, या तमाम भारत फर्स्ट हो, और उसके साथ साथ हमने साउथ के भी टूर किया और नॉर्थ के भी। साउथ में हम महाराष्ट्र गए, हम गुजरात गए, तमिलनाडु गए, कर्नाटका गए, तेलंगाना गए, उड़ीसा गए, असम गए, तो काफ़ी डिटेल डिस्कशन और डिलीब्रेशन चला है और करीब करीब मुझे लगता है कि सभी मेंबर्स को सवाल पूछने का अवसर मिला है। अभी हमारे मेंबर्स की राय थी, पोजीशंस की, कि हम और सवाल भी पूछना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है कि 5 दिन में 29 घंटे जिस तरह से इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने में मौका मिला और जितना डिटेल डिलीब्रेशंस हुआ है, डिस्कशंस हुआ है, उस पर एक अच्छी रिपोर्ट तैयार होगी। मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के, क्योंकि ये कमेटी के मेंबर हैं, यहाँ कोई सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष नहीं है, हम मिल करके क्लाज बाई क्लाज सभी पे अब हम डिस्कशन करके फाइनली हम उस पर सहमति बनाएंगे और एक सहमति के साथ एक अच्छा हम रिपोर्ट सदन में सर सर क्या आगे फिर से बैठक होगी, जेपीसी की ओर बैठकें होंगी? हाँ भी होगी सर, जो अपोजिशन लोग स्पीकर को मिलकर मंडे को एक्सटेंशन मांग रहे हैं सर, अपोजिशन कर रहे हैं। ठीक है, विपक्ष तो यहाँ भी कह रहा था लगातार, और अपोजिशन को या किसी मेंबर्स को स्पीकर साहब से मिलने का अधिकार है। अब वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि साहब इसकी डेट बढ़ाई जाए या इसका एक्सटेंशन हो, अभी बहुत सी चीजें हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जेपीसी ने जिस तरह से लगातार हमने मीटिंगें किया है, जिस तरह से हमने डिटेल डिलीब्रेशन डिस्कशंस किया है, उस पर हमारी तैयारियां हैं। अब वो मेंबर्स स्पीकर साहब से मिलना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये जो जेपीसी को ये बिल रेफर हुआ है, और बिल स्पीकर ने ही रेफर किया, तो जो ऑनरेबल स्पीकर का फैसला होगा उसमें मान लीजिए। सर, आपको रिपोर्ट सबमिट करने की 29th को डेडलाइन थी, तो क्या आप 29th को ही सबमिट करेंगे, उससे पहले या डेट आगे बढ़ेगी? सर देखिए, हमारी रिपोर्ट तैयार है और हम उस रिपोर्ट के हिसाब से, आपने देखा कि मैंने इतना जो डिटेल बताया है कि जो मंत्रालय है जिसका बिल है, उस मंत्रालय के साथ कितनी बैठकें हो चुकी,
फाइव डेज की बैठकें हुई, 29 घंटे से ज्यादा बैठकें हुई, और उसमें जानते हैं उत्तर कितने आए हैं? दो वैल्यूम में पहले उत्तर आए, जो प्रेजेंटेशन आया 800 स्लाइड का, और उसके बाद जो मेंबर सवाल उठाए उन सवालों के जवाब आए, 1000 स्लाइड्स मेंबर्स की रिप्लाई और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की का स्लाइड्स है। तो मुझे लगता है चार वैल्यूम में पहली बार इतना डिटेल जवाब दिया है, तो हमारी पूरी तैयारी है। अब ऐसे पार्लियामेंट है इसका बढ़ाने के लिए सक्षम और स्पीकर साहब। सर संजय सिंह कह रहे हैं दिल्ली सरकार को नहीं बुलाया आपने अभी तक? नहीं, दिल्ली सरकार को हमने क्या है, हम बुलाते हैं दिल्ली सरकार को ही। दिल्ली सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स आए थे, जो सीओ थे वो आए थे, दिल्ली के रिप्रेजेंटेशन आए थे, वो कहते हैं हमारी दिल्ली को मिनिस्टर बुलाइए। सर अपोजिशन 9 वर्किंग डेज चाहिए और कमेटी की रिपोर्ट तब कम्प्लीट होगी। वो देखिए हमारी रिपोर्ट तैयार है, हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं, हम आगे उस तरह से तारीखें देंगे उनको, हम पूरा प्रॉपर मौका देंगे। जब क्लाज बाय क्लाज पे उनसे हम अमेंडमेंट मांगेंगे तो उनको 4 दिन हम मौका देंगे कि उसको पढ़ सकें, और 4 दिन के बाद क्लाज बाय क्लाज पे डिस्कशंस हो, और हम उम्मीद करेंगे कंसेंसस हो, नोट ऑफ डिसेंट न हो। अगर किसी क्लाज पे कोई वोटिंग होगी तो वोटिंग से तय होगा, हम उसमें पूरा उनको समझेंगे।